हम बचपन से जिन्नात की कहानियां सुनते आ रहे हैं। कहते हैं जिन्नात हमारे आसपास ही रहते हैं, जो हमें तो देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन एक बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि जिन्नात का टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। हम पास्ट की बात करें तो हज़ारों साल पुरानी कहानियों में भी हम इनका जिक्र मिलता है। बहुत पुरानी हिस्टोरिक बुक्स उठाकर देखें तो उनमें भी ये किस्से साफ दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हज़ारों साल से ये कहानियाँ सिर्फ इमेजिनेशंस हैं या फिर इन बातों में कोई हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसे हम देख नहीं सकते। शायद इसी वजह से हम इन बातों पर यकीन नहीं करते। जाने अनजाने में इंसान कभी कभार कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ऐसी एक गलती मुझसे भी हुई। एक रोज घर वालों को बिना बताए मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। घर आने में बहुत देर हो गई और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ऑफ था। इसी वजह से घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे और मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। मैंने कहा, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। बट इवन देन वो मुझे डांट ही जा रहे थे। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं गुस्से में घर से बाहर चला गया और घर के पास वाले प्लेग्राउंड में जाके बैठ गया। इस प्लेग्राउंड में लोग अक्सर खेलने आया करते थे, लेकिन रात के इस टाइम वहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज नहीं थी और मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं वहीं रुका रहा। कुछ ही पल में वो बारिश तूफानी बारिश में बदल गई। मुझे अब डर लगने लगा था क्योंकि रात का वक्त था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही मैं घर जाने के लिए उठा तो मैंने कुछ अजीब सा देखा। एक स्ट्रेंज सा आदमी मेरी तरफ चलता आ रहा था। उसकी बॉडी से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो मेरे पास आके रुका और उसने कहा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आदमी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं खुद से घर चला जाऊँगा। उस आदमी ने कहा, इस तूफ़ानी बारिश में तुम अकेले घर नहीं जा पाओगे, चलो मेरे साथ। उसमें एक अजीब सी कशिश थी, ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ चल पड़ा। उसके साथ कब रास्ता गुजरा और मेरा घर आ गया पता ही नहीं चला। घर के पास पहुंचकर मैंने कहा, मेरा घर आ गया है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। उस आदमी ने मुझे रोका और कहा, ये फूल ले लो, यह हमेशा तुम्हें बुरी ताकतों से बचाएगा। मैंने कहा, मेरा इतना ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। और मैंने उससे वो फूल पकड़ लिया। घर पहुंचकर मैंने उस आदमी और फूल के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैं नहीं जानता था कि वो इंसान कोई जिन था या कोई फरिश्ता। लेकिन एक चीज़ जिस पर मुझे डाउट था वो ये थी कि ये फूल कोई आम फूल नहीं है। फूल को टेस्ट करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने अपने कमरे की अलमारी में उस फूल को रखा और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। 10 दिन बाद जब मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो वो फूल वैसा का वैसा था, बिल्कुल भी मुरझाया नहीं था। मैं ये देख के बहुत हैरान था।
एक माह बाद भी वो फूल वैसे ही ताज़ा था और उसमें से वैसे ही खुशबू आ रही थी। ये सब मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। मुझे अब यकीन हो चुका था कि ये फूल हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब से वो फूल मेरी ज़िंदगी में आया था, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे अपने आसपास जिन्नात दिखाई दे रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं छत पर गया तो अपने घर की छत पर मैंने चार लोगों को देखा जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर मैंने बिल्कुल भी शोर नहीं डाला और अपने कमरे में जाके दोबारा से लेट गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझता जा रहा था कि जिन्नात में से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे। और कुछ की शक्ल इतनी भयानक होती थी जिसे देख के मैं सारी रात सो नहीं पाता था। 10 साल गुजर चुके हैं और मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। एक चीज को लेकर मैं अब भी परेशान रहता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगा, तब इस फूल का क्या होगा।